गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो जस्ट अभी ख़त्म की थी और अभी दूसरी वीडियो शुरू की है। मैं जा रहा हूँ गाड़ी वॉश करवाने, तो कल ही आए थे हम और गाने देखो कितने अच्छे लगे हुए पुराने। तो कल ही आए थे और अभी गाड़ी का जो हालत है वो बहुत गंदी हो रखी थी, क्योंकि इतने दिन से चले जा रही है, जब से गए हुए हैं शादी पर तब से ये गाड़ी बस चली और तो गंदी हो ही जाती है। अंदर बार से वैक्यूम करवाने वाला, बार बार से हो तो खुद भी धो लेते हैं लेकिन अंदर से भी साफ़ होने वाली है, तो इसलिए जा रहा हूँ वॉश करवाने। और ये सुबह सुबह की हल्की फुल्की ट्रैफिक। और ब्रेकफास्ट मैं कराया था, पराठे खाए थे सुबह सुबह और फटाफट ही ब्रेकफास्ट किया। 10 बज गए हैं इस टाइम पे और ब्रेकफास्ट करके अब बस निकल आया हूँ मैं गाड़ी वॉश करवाने, फटाफट करवाना क्योंकि पापा ने भी जाना काम से ज़रा, तो जल्दी जल्दी करवानी है। मैं उनको बोल दूँगा कि जल्दी कर दो थोड़ा। तो गाड़ी मैंने लगा दी है वॉश करने के लिए, वो आप देख सकते हो वहाँ पे खड़ी हमारी गाड़ी, और कोई भी गाड़ी नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये पेट्रोल के टैंकर वगैरह हैं लेकिन इन्होंने शायद अभी से वॉश नहीं होना। पहले मैं दूसरी जगह गया था, दूसरे वाले जो वॉशिंग सेंटर में जहाँ पे मैं पिछली बार गया था, लेकिन वहाँ पर आज 3 गाड़ियाँ पहले से लगी हुई थी। मैंने कहा कि यहाँ पर तो टाइम लग जाएगा, 3 गाड़ियों के बाद ये इसका नंबर आएगा, तो फिर मैं यहाँ पर आ गया जहाँ पर यूजुअली वॉश करवाते थे। और यहाँ पर देखा तो आके खाली था ये, और अच्छा हुआ खाली था। अब हमारी गाड़ी हो रही है वॉश और इतनी देर में यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिट कर रहा हूँ धूप में। हाँ, पीठ मेरी धूप की तरफ है, मतलब सूरज की तरफ है, ताकि टैनिंग ना हो फेस पे ज़्यादा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ नेक्स्ट डे और सुबह के लगभग 10 बजने लगे हैं और यहाँ चाय चल रही है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। तो आज बड़े बुआ बुआई भी दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ ऊना होकर गए थे, ब्रेकफास्ट उन्होंने यहीं पर किया था, तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया, हमने भी किया और अभी वो चले गए हैं तो चाय पी रहे हैं। चाय वैसे उनको भी पिलाई थी लेकिन पहले ब्रेकफास्ट से पहले, और अभी जो है चाय पीने के बाद थोड़ा काम वगैरह। और पिछली वीडियोस में देख रहा हूँ ना, मेरा फ़ोन फुल हो गया है, अब तो जगह भी नहीं बची है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, पूरा ऑलमोस्ट फुल है मेरा फ़ोन। तो वो देख रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ डिलीट करनी है और क्या क्या चीज़ संभाल के रखनी है। बाकी इसके बाद चाय वगैरह पियेंगे और निकलेंगे, बैंक में थोड़ा सा काम है। उसके बाद आज मैंने अपना जो दांत दाढ़ उसका भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाना है डेंटिस्ट के से, तो डेंटिस्ट के पास भी जाना है। तो बैंक जाया हूँ और थोड़ा काम था, और साथ में ना अब आपसे क्या छुपाना, शादी तो है ही है तो इनकी ज़रूरत पड़ती है जो कोरे नोट होते हैं। तो 10 के नोट मिल ही नहीं रहे, 20 की मिल गए हैं, 20 की 2 थदियाँ ले आया हूँ और 10 की थदियाँ चाहिए थी लेकिन वो मिल ही नहीं रही हैं। HDFC में मेरा अकाउंट है, वहाँ पूछा, वो कहते कि यहाँ पे तो है ही नहीं, मंगवा देंगे। पर मैंने उनको कहा चलो मैं पहले पता कर लेता हूँ, फिर PNB में गया, वहाँ पे सिर्फ ये 20 की थी, 50 की भी थी पर मैं 20 की लेके आया हूँ, और 10 की मेन चाहिए और 10 की ही मिल नहीं रही है। अभी जाना है डेंटिस्ट के पास। हेलो गाइस, मैं दांत निकलवा के आ गया हूँ। मैं अजीब सी बातें हो रही हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जीव एक साइड की सून ना, मुँह इस साइड का सून ना पूरा, और वहाँ पे जब मैं बैठा हुआ था तो वो डिवाइस लगा के ना दबाने का दिया था, मुँह बंद रखा हुआ था तो दबाया हुआ था, इसलिए उस टाइम बोला नहीं और बड़ी मुश्किल हुई। मैं आपको बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल कह दिए ज़्यादा बात नहीं करता तो ये अच्छा है। तो शाम को थोड़ी देर में सो गया था, वैसे तो 3:30 बजे जो ये सून किया हुआ था ना मुँह, वो ठीक हो गया था, मतलब फील होना शुरू हो गया था कि हाँ अब थोड़ा ठीक हो रहा है, और 4 बजे तक पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए थोड़ी से टस टस से फील हो रही थी, जैसे अजीब सी पेन तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं थी लेकिन कुछ फील हो रहा था, 10-15 मिनट के लिए हुई और उसके बाद ठीक हो गई। और खाना बड़ी मुश्किल से खाया, एक साइड से मैंने बड़ी मुश्किल से खाया, चावल खाए और बड़ा ध्यान रखना पड़ा। बाकी अभी शाम हो रही है, शाम के लगभग 7 बजने लगे हैं, और मैं ये देख रहा था अपना वही IRDA का लाइसेंस वाला, ये देखो अभी भी न्यू लाइसेंस एप्लीकेशन सबमिटेड, सबमिट हो रखी है तो ये प्रोसेस क्यों नहीं की जा रही, मेरे को यही दुविधा है। मतलब 43 डेज हो गए हैं और ये सबमिट की हुई है, और उनके मतलब कान पे जून ही रेंग रही होगी कि यार एप्लीकेशन आई हुई है, प्रोसेस कर दें, मेरे को लाइसेंस दे दें। उनको ऐसे तरस नहीं आता मेरे ऊपर, काश मैं भी कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर होता तो ये वीडियो शायद उन तक पहुँच भी जाती, पर मेरे को पता है वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। लेकिन फिर भी यार ऐसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो जो मेरी वीडियो देखते हैं कि यार कितना टाइम लेंगे, 5 दिन का जो काम है वो 2-2 महीने लगा के करते हैं ये। बाकी
ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं दिखाने को। लेकिन अभी शॉपिंग की शुरुआत हो चुकी है, कल भी मैं गया था, कल मैं वो शूट नहीं कर पाया। मैं अपने लिए कोटमेंट सिलवाने गया था, तो कपड़ा लिया और टेलर को दे दिया। जब आएगा सिल के तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, या शादी में दिखाऊंगा, देखते हैं कब दिखाते हैं। लेकिन कुछ इसी तरह से चल रही हैं वीडियोस, और कभी अच्छी भी देखने को मिलेंगी, कभी थोड़ी सी बोरिंग हो जाएंगी। लेकिन ट्राई तो करूँगा कि आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहे। लेकिन अभी ये मुंह का है तो थोड़ा ज़्यादा बात नहीं कर सकता, एक आधे दिन के अंदर हो जाएगा ठीक। बाकी इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी IRDA तक पहुंच जाए वीडियो, या कोई देख रहा हो गलती से तो प्लीज़ मेरी ये जो एप्लीकेशन मैंने दी है न्यू लाइसेंस के लिए, कर दो यार प्रोसेस इसको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।